कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका चिंतन किसको अगर किसी को करना है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना है। हम इस चुनाव को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं होने देंगे और यहाँ के जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या उसका जवाब दे रहा है, कौन किस भाषा का शैली का प्रयोग कर रहा है और क्या उसकी उसका जवाब दिया जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका चिंतन किसको अगर किसी को करना है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना है, क्योंकि वो अपने को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं। और आज जिस तरीके का एक प्रचार प्रसार चला हुआ है खाने पीने के ऊपर, इसका चिंतन विश्व हिंदू परिषद को करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को करना है। मेरा तो वैसे भी उनके साथ मेरे परिवार का एक बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि जब 2007 में वीरभद्र सिंह सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल के अंदर वो लेकर आए थे, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया था कि आप पहला राज्य है हिमाचल के अंदर जहां पर धर्मांतरण का कानून देश के अंदर लाया गया है। तो इसलिए मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा, आरएसएस के हमारे साथियों से, विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथियों से, बजरंग दल के हमारे साथियों से, कि वो ये चिंतन और मंथन करें कि प्रदेश में जो आज खान और पीन का एक चर्चा चली हुई है उस पर उनका क्या रवैया है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या प्रक्रिया है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा।